जिंदगी ने सता के हद कर दी, मैंने भी मुस्कुरा के हद कर दी। शेर मैंने कहे थे तेरे लिए, तूने सबको सुना के हद कर दी। मैंने अनदेखे चाहा था तुझे, तूने ख्वाबों में आके हद कर दी। मैंने उसे कहा चले जाओ, और उसने भी जाके हद कर दी। तो गाइस, दिस मुजफ्फर अंसारी फ्रॉम इंडिया, और इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं। बाहर थोड़ी जाएंगे, इंडिया के रहने वाले हैं, और कोई ऐसे इतने रिच नहीं है जो बाहर जाएं। तो बस खेत खलियानों पे घूम रहे हैं। दिसंबर चल रहा है, इस महीने का लास्ट चल रहा है ना, तो काफी धुंध है। और मैं अभी यहाँ पर आया था, सोचा कुछ रीलें बनाऊं। मैंने रील बनाई है अपने इंस्टाग्राम पे, अभी मैं रील पोस्ट करूंगा। बहुत ही प्यारी रील बनी है, और ऐसी ठंड में मेरे दोस्त, कुछ दोस्त बाहर हैं, और बहुत ही फनी दोस्त हैं मेरे जो बाहर हैं। तो वीडियो कॉल मैंने उन्हें लगाई है अभी, और वीडियो कॉल पे वो मौजूद हैं। और अभी आसिफ, तुम किधर जा रहे हैं यार? बात कर रहे हैं दोस्त, आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़ गए हैं, और आप काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो थोड़ी सी हंसी मजाक हमसे भी बयां करिएगा। सर, मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है जो मैं आपको करके दिखा सकता हूँ। अरे हम आपके सर नहीं है, दिस मुजफ्फर अंसारी, नॉर्मल इंसान। अच्छा, नॉर्मल इंसान है आप? जी जी। इतनी दूर है हमसे ठंड में। अच्छा, अगर आप सनी देओल होते जीत फिल्म के, तो आप करिश्मा कपूर के लिए क्या कहते? करिश्मा कपूर के लिए कहते कि तो फिल्में बंद कर, बहुत लगी हुई है, पहले अपनी डाइट पे ध्यान दे। नहीं यार, ये तो आप रोस्ट कर रहे हैं कि आप सनी देओल का कोई डायलॉग बोलते हैं आप तो रोस्ट करने लगे यहाँ पर। रोस्ट के लिए मैंने डायलॉग बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डायलॉग बोलूं? जी जी जी। जी कोई बात नहीं, आप हमें देख रहे हैं सर। पहले ये बताइए, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी खाली उतरी हूँ, मतलब। अच्छा, आपकी तरफ भी कोहरा है? नहीं है, तो धूप है। देखिए तो जयपुर में इस वक्त धूप है, लेकिन धूप तो कम दिख रही है। अच्छा, आपको अंदाजा नहीं था कि आज आप कहता है दिल चैनल पे आपका फेस नजर आएगा, आपको पता भी नहीं हुआ था इससे पहले? है और देखो, ये भी एक इत्तफाक है जो कहता दिल चैनल पर आपका फेस आ रहा है, और हमारे सभी फैमिली जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो आपको देख रही है, तो काफी वक्त से इंतजार में है हमारी फैमिली आपके डायलॉग के लिए। जीत का डायलॉग बोल दीजिए आप। जीत का डायलॉग? हाँ। अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह अर्थियां उठेंगी, और सबसे पहले अर्थी की कुश्ती उठेगी, जिसके सर पर पहना होगा, लाशें बिछा दूंगा लाशें। मुझे आपकी उंगली से बहुत डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उंगली ये मेरे लिए। ऐसे तो कोई डर लगता है यहाँ पर। अच्छा, और दूसरा इसके अलावा और कौन सा डायलॉग? और दूसरा राजा का मुंह शाहरुख खान का। शाहरुख खान का? सर आपने मतलब शाहरुख खान का आई लव यू। टाउन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, टाउन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। अच्छा, तो डॉन को मौसम बिगड़ने वाला है। ये तो पठान मूवी का बोल दिया इन्होंने, वो वाला बोल दो। और राजा को मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है मुझे। मोहब्बत हो गई है राजा को, मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है। अच्छा, मोहब्बत मुझे भी हुई है। हेलो हेलो, मोहब्बत तो हमें भी, हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज, मोहब्बत तो हमें भी हुई है, और आपसे, अपने दोस्तों से, और इस जमाने से। लोग कहते हैं कि जमाना बहुत खराब है ना, कहते हैं ना, तो जमाना को खराब करने वाले हम ही तो हैं, और जमाने को अच्छा करने वाले हम ही तो हैं, क्योंकि हमसे जमाना है नहीं?
हम जमाने से, हमसे जमाना है, तो जैसा हम सब कुछ क्रिएट करेंगे वही तो वही तो नजर आएगा। तो आपसे अच्छा लगा बात करते हुए, एक बार आप इधर देखें, मेरी तरफ देखें और इसी मुस्कुराहट के बाद मुझे भी नहीं बोलना आ रहा है, इसी मुस्कुराहट के साथ आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी गाइज आप सभी से, और हमारे ये जो दोस्त है ना स्क्रीन पे, इनसे कभी कैसे, हाँ फेस टू फेस मुलाकात होगी। तो गाइज ठीक है, ओके बाय।